हर यू देखो चित्रगुप्त भगवान का मंदिर तो बहुत गजब तरीके से बाराबंकी जिले धनोखा चकती पर बनी हुआ। देखा तो भाई झमझमा रहा था, चमचमा रहा था, क्या बता, लाइटें बढ़िया चमचम चमचम कर रही थी। यू बाराबंकी जिले धनोखा चकती के पास भैया चित्रगुप्त भगवान का बहुत गजब तरीके का मंदिर बना है और इसके नीचे पुस्तकालय भी खुला है। तनिक सुनो भैया, लाला रंजीत दास सासों कह रहे कि देखो भैया हम सभी शहर वासियों से अपील करना चाहेंगे, यहाँ पर आइए भैया, ज्ञान ले जाइए, किताबें दे जाइए। तनिक सुनो, अपने नगर के और अपने जिले के प्रबुद्ध जनों से कि वे अपने यहाँ जो भी अच्छी धार्मिक पुस्तकें हैं वे हमारी इस व्यासपीठ को दान दें, क्योंकि ज्ञान को अपने पास तक ही संजोकर नहीं रखना चाहिए, ये ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है, तो ज्ञान जन जन तक पहुँचना चाहिए। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करेंगे कि हमारी इस लाइब्रेरी भी आप कह सकते हो, इसको समृद्ध और सुदृढ़ बनाने। अब यू बहुत है बढ़िया भैया, पुस्तकालय खोली ने, आओ भैया आओ, किताबें दे जाओ, ज्ञान ले जाओ, क्या बात है भैया। और एक से बढ़कर एक यहाँ पर आपको किताब पढ़ने को मिल जाएगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या रखन कीजिएगा, अगली खबर देख लेते हैं। अब यू देखो जितेंद्र प्रसाद जी भैया लखनऊ के ड्रामा सेंटर में पहुंचे थे, जो बाराबंकी के घायल उनका हाल चाल ले रहे थे। अब बाराबंकी जिले के फतेहपुर कस्बे में भैया भोरे भोर करीबन 3 बजे 3 मंजिला इमारत गिर जाती है, जिसमें भैया 15 लोग फंसे हुए बताए जाते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और भैया पूरा रेस्क्यू टीम लग जाता है। होना का था भैया 12 लोगों का बाहर निकाला जाता है, जिनकी हालत ज्यादा नाजुक थी, घायल थे, उन सभी को लखनऊ ड्रामा सेंटर में भर्ती करावा जाता है। ऐसे में भैया सूचना मिली तो बाराबंकी के प्रभारी मंत्री दौड़े दौड़े पहुंचे भैया जितेंद्र प्रसाद जी हाल चाल लेने के लिए, और घायल के जो परिजन थे उनको आश्वासन भी दे रहे थे। तनिक सुनो भैया, तो जिले में भी बात कर ली प्रशासन से कि युद्ध स्तर पे राहत कार्य किए जा रहे हैं और तुरंत यहाँ रेफर कराया गया KGMC में, और पूरी डॉक्टर की टीम सरकार के पूरा यहाँ निःशुल्क इलाज और सभी कह सकते हैं खतरे से बाहर। अब जितेंद्र प्रसाद जी की बात है तो आपने सुन ली भैया, सूचना मिलते ही बाराबंकी जिले के देख लो भैया राज्य मंत्री सतीश शर्मा जी पहुंच जाते हैं फतेहपुर। वहां पर भैया परिजनों से मुलाकात कर रहे थे, घायलों से मुलाकात कर रहे थे, आश्वासन भी दे रहे थे और मौके का भैया हालचाल भी ले रहे थे, SP साहब से बतिया भी रहे थे। हमने कहा आपको दिखा दे, पर फिलहाल अगली खबर देख लेते हैं। अब फतेहपुर में हुई घटना को लेकर जब अरविंद सिंघोब जी को पता चला भैया, तो यहू पहुंच गए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री भैया अरविंद सिंघोब जी, परिजनों से मुलाकात कर रहे थे, घायलों से मुलाकात कर रहे थे, आश्वासन दे रहे थे। इनके साथ भैया देख लो लवली रावत भी दिख रही थी, वेद प्रकाश दिख रहे थे, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे। हमने कहा था आपको दिखा दे, पर फिलहाल अगली खबर देख लेते हैं। अब यू देखो भैया हापुर वाले मामले को लेकर के बाराबंकी जिले में प्रदीप सिंह जो कि जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और उनके साथ भैया महामंत्री शाहीन अख्तर द्वारा ज्ञापन दिया गया है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। भैया अब देखो इनकी बातें सुनी जाती कि नहीं सुनी जाती, पर फिलहाल अगली खबर देख लेते हैं। हाँ भैया देखो अवैध प्लाटिंग करने से पहले तनिक सावधान है, वो जबड़ा बाबा जी का बुलडोजर दौड़ेगा। आप कहा बताया बाराबंकी जिले भैया, यू देखो मुर्तजा नगर में बनाई गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया जाता था राजस्व प्रशासन द्वारा। हमने कहा तनिक आपको दिखा देगी, देखो भैया बढ़िया झमाझम बुलडोजर चल रहा था, पर फिलहाल इस पर आपकी कार्यक्रम कीजिएगा। वीडियो शेयर करना खत्म, दूलेगा शुभ मैसेज को सुन लेगी दबाद मिलेंगे उसके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।